हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत हो दोस्तों, तो दोस्तों इसमें रखनी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है जी हाँ दोस्तों कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं तो दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट आप स्क्रीन पर लाइव देख सकते होंगे एक साथ दो पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर सकेंगे छाती है सबसे बड़ी खुशखबरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए एक साथ दो कोर्स में आप एडमिशन लेकर जो पढ़ाई है वो आसानी से कर सकते हैं विद्या परिषद की बैठक में जो प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ है इसके साथ ही प्रास्नात्क और पी पाठ्यक्रमों के भी यहाँ पर प्रस्ताव पास हुए हैं इसके साथ ही जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि नई शिक्षा नीति के तहत अब यहाँ पर पी जी कोर्सेज यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू होने जा रहा है जी हाँ दोस्तों अगले शैक्षणिक सत्र से, से स्टार्ट कर दिया जाएगा पूरी लेटेस्ट न्यूज आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वे आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं एम जे पी रुलखंड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सभागार में शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर के सिंह की अध्यक्षता में विद्या परिषद की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है इसमें स्नातक इस स्नातकोत्तर इस और पीएचडी स्तर के कोर्सेज में कई प्रस्तावों का जो अनुमोदन है वो हो चुका है इसके साथ ही यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट है वो पीजी कोर्सेज को लेकर है जिसे आप हिंदी में स्नातकोत्तर बोलते हैं पीजी जी जैसे कि एम ए एम एस सी एम कॉम वगैरह जितने भी आपके पी कोर्सेज होते हैं अब उनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या होगा सेमिस्टर सिस्टम लागू हो जाएगी यानी कि जो सेमिस्टर प्रणाली है वो लागू होगी यानी कि सिक्स मंथ में आपके एक बार एग्जाम होंगे जिसकी अभी अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में ये जो सेमेस्टर सिस्टम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और उनके जो एग्ज़ाम है वो सेमेस्टर बेस पर कराए जा रहे हैं इसी तरह से अब पीजी जी कोर्सेज में भी ये जो रूल्स हैं ये लागू होने जा रहा है इसके लिए पाठ्यक्रमों के पाठ्य समिति के द्वारा किए गए बदलाव का जो अनुमोदन है वो किया गया नए पाठ्यक्रम जो है वो नए सत्र से लागू हो जाएंगे ठीक है तो ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसके साथ ही ये नए पीएचडी कोर्स डी के वर् यहाँ पर स्टार्ट होंगे यूनिवर्सिटी से आप देख सकते होंगे कुछ नए कोर्सेज़ में भी पीएचडी स्टार्ट होगी तो विद्या परिषद की बैठक में शोध निदेशालय ने कई पीएचडी कोर्स का आरंभ करने का भी अनुमोदन किया है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा काफ़ी कोर्सेज़ के जो नेम है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रोबोटिक एवं एनर्जी इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होगी ये द्वितीय वर्ष के यानी कि सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में अंग्रेजी और हिंदी के पाठ्यक्रम में एक प्रश्न पत्र किए जाने का जो अनुमोदन है वो किया गया अभियांत्रिकी एवं औद्योगिकी संकाय के अंतर्गत इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग में इंटीग्रेटेड एमटेक पीएसटी एच डुअल डिग्री प्रोग्राम इसके साथ ही अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के अंतर्गत स्थापित सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मल्टीलिंगुअल स्टडीज के अंतर्गत पाठ्यक्रमों को संचालित करने इसके साथ ही ए द्वारा शुरू की गई माइनर डिग्री योजना के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दो कोर्सेज यानी कि दो पाठ्यक्रम रोबोटिक्स और एनर्जी इंजीनियरिंग का भी अनुमोदन किया गया तो दोस्तों ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए आप साथ बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आज की इस वीडियो को इतना ही मिलते हैं कि नई वीडियो में इन इन्फॉर्मेशन के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो